नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंधेशक न्यूज में। अंधेशक न्यूज आपके संघर्ष का साथी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यहाँ पर, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुपस्थित 16,000 शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहला मामला, पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग में इतने बड़े स्तर पर। आज की खास खबर, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुपस्थित 16,000 शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू। वेतन रोकने, वेतन काटने और नोटिस जारी करने की होगी कार्रवाई। लखनऊ प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिना सूचना गायब 16,706 गुरुजनों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। दिसंबर से फरवरी के बीच स्कूल से अनुपस्थित मिले शिक्षकों का वेतन रोकने, वेतन काटने, नोटिस जारी करने की सूचना और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सभी BSO को कार्रवाई कर उसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जिला स्तरीय टास्क फोर्स व विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों से 5-5 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। इसमें दिसंबर 2022 में 5,988, जनवरी में यानी जनवरी 2023 में 4,251 और फरवरी 2023 में 6,467 कुल यानी कि 16,700 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे। इसमें 3 महीने में सर्वाधिक हरदोई में 482, सीतापुर में 461, बहराइच में 559, बरेली में 432, देवरिया में 431, सिद्धार्थनगर में 420 शिक्षक अनुपस्थित मिले थे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय कृष्णानंद जी ने सभी BSO को अनुपस्थित शिक्षकों पर निर्धारित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही ये भी कहा था कि कार्रवाई संबंधित सूचना पोर्टल पर यानी कि प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करें। हालांकि अब तक 16,706 में से 551 शिक्षकों पर ही कार्रवाई की सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड की गई है। इस पर उन्होंने 7 दिन के अंदर कार्रवाई कर सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इसमें लापरवाही करने पर सीधे BSA साहब को तलब किया जाएगा और उन पर भी कार्रवाई के लिए चेतावनी दी गई है।